पुत्र तथा आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रिय देवी टुप्पो और आरती खुजूर, माता पिता और मेरे छोटे बड़े प्रिय भाइयों और बहनों, आज के वर वधु और आप सभी इस गिरजाघर में आए हैं कि पुरोहित एवं ख्रिस्ते भाई बहनों के सामने आज के नए वर वधु अपने प्रेम में बहुत बंधन में सुदृढ़ हो जाने के लिए और जीवन भर एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहकर पति पत्नी के अपने कर्तव्य निभाते हुए एक सुंदर जीवन शुरुआत करने जा रहे हैं। ईश्वरी आज कृपा सदा बनी रहे, यही सुविधाओं के साथ हम इस गिरजाघर में प्रवेश करने के लिए आप सभी को हार्दिक आमंत्रित करते हैं। फादर दिलीप तिर्की, तो मैं कैसेपल्ली की ओर से श्रद्धेय फादर दिलीप तिर्की को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और दोनों पक्ष के माता पिता भाइयों बहनों को कैसेपल्ली के नाम से बहुत बहुत स्वागत है। फादर राजन को भी धन्यवाद देता हूं कि उनके हमारे हम सभी को आमंत्रित और स्वागत करने के लिए। पुत्र पुत्र आत्मा के नाम हमारे प्रवेश ख्रीस्त की कृपा ईश्वर का प्रेम पुत्र आत्मा का सच्चर्य आप सबों को प्राप्त हो। पाठ का मूल वाक्य है,
जिसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यज्ञ करकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलों फूलों पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र के मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और यह उसको अच्छा लगा। यह प्रभु की वाणी है। अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी प्रेम नहीं। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। यह मेरी आज्ञा है, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी प्रेम नहीं। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। वह सब कुछ तुम्हें बता दिया है। तुमने
मुझे नहीं चुना है बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है, जिसे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। तब तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। और आरती, आपने ईश्वर का वचन सुना है, इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और महत्व समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में प्रश्न करता हूँ। और आरती, क्या आपने बिना दबाव से और राजी खुशी से विवाह करने का विचार पक्का कर लिया है? जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। आप विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा श्री कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करे। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे। इस सिंदूर, आभूषण और माला को अपनी आशीष प्रदान कर कि वर वधु तेरे इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त करें। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आप अपने प्रेम और ईमानदारी के चिन्ह ये अंगूठियां एक दूसरे को पहना दे, इन पर ईश्वर आशीष दे। हे आरती, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी पर चिन्ह पहन लीजिए। हे देवी, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का यह अंगूठी पहन लीजिए।
ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सब को जय श्री धन्यवाद।